लंदन में बुधवार को कई भारतीयों के लिए यह एक देखने लायक नजारा और गर्व का क्षण था जब आईएनएस तबर युद्धपोत जर्मनी में समुद्री अभ्यास पूरा करने के बाद टेम्स नदी पर बने प्रतिष्ठित टावर ब्रिज को पार करते हुए ब्रिटेन की राजधानी पहुंचा। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य नौसेना के आईएनएस तबर का स्वागत करने के लिए यहां जमा हुए थे जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ब्रिटेन में टावर ब्रिज भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक एकता और जीवंत भावना का साक्षी बना। भारतीय लोगों ने नदी के किनारे कतार में खड़े होकर जश्न मनाया। इसके साथ ही खूबसूरत पुल की पृष्ठभूमि में भारतीय नौसेना की फ्रंटलाइन फ्रिगेट का शहर में स्वागत किया गया। जहाज के लिए रास्ता बनाने के लिए पुल खुलने पर कई लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। मौके पर मौजूद भारतीय प्रवासी समुदाय के एक सदस्य ने कहा कि आईएनएस तावर का स्वागत करना इस देश में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए सबसे गर्व का क्षण है। वहीं मीडिया से बात करते हुए एक भारतीय युवक ने कहा कि हम एक भारतीय युद्धपोत को यहां प्रवेश करते हुए और उसके लिए प्रतिष्ठित टावर ब्रिज को खुलते हुए देखकर बहुत गर्व और खुशी महसूस कर रहे हैं। भारतीय ध्वज और भारतीय जहाज के टावर ब्रिज के पास देखकर सभी ने खुशी मनाई। वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने कहा कि यह हम सभी के लिए एक अनमोल क्षण है। और इसी बीच क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय प्रवासी लोग, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है, बहुत ही गौरव की बात है। बिल्कुल ही हिस्ट्री में कभी ऐसे मौके नहीं आए होंगे कि एक इंडियन वॉरशिप ये यूके में आ रही है और यूके में टावर ब्रिज एक इंडियन वॉरशिप का वेलकम करने के लिए खुल रहा है। और आप बता सकते हैं कि कहाँ से इसकी जर्नी शुरू हुई और यहाँ पर अब वो कहाँ जाने वाली है फिर से? जी, ये जो वॉरशिप की जानकारी है तो ये वॉरशिप जो थी वो 2004 में कमीशन की गई थी। 1996 में ये वॉरशिप को ऑर्डर इंडियन गवर्नमेंट ने प्लेस किया था और उसके बाद से वॉरशिप बहुत सारे दुनिया भर के सेफ्टी, सिक्योरिटी, मिलिट्री और नेवल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हुई है। हाल ही में ये वॉरशिप सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में थी, जहाँ से अब ये वापस भारत के रास्ते अपने होम बेस मुंबई में जा रही है। और वहाँ से अब ये वॉरशिप जाते जाते रिसेंटली जर्मनी के हैम्बर्ग में इस वॉरशिप ने एक बहुत अच्छा और बहुत सेलिब्रेटेड नेवल एक्सरसाइज जर्मन नेवी के साथ में एक किया था। और आज ये वॉरशिप लंदन में आ रही है, थेम्स के बीचों बीच लंदन के हार्ट में ये वॉरशिप अगले 4 दिन तक रुकेगी। We saw first the opening of the bridge and we were very happy and I'm saying, yeah, most of us are seeing it for the first time and we are very excited and that too our Indian Navy warship crossing us. It was really fantastic view from here. Did you enjoy that? Yeah, absolutely. Yes. All of us. Yeah, yes. Like a once in a lifetime experience. This is my second time watching it, but then the warship is crossing, the Indian warship is crossing, so it felt good, really good. बता दें कि भारतीय नौसेना के अग्रणी युद्धपोत आईएनएस तबर 5 अगस्त 2024 के रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से लौटते हुए किल नहर के पास जर्मनी नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। वही आईएनएस तबर ने इससे पहले 17 से लेकर 20 जुलाई 2024 तक जर्मनी के हैम्बर्ग का दौरा किया। इन अभ्यासों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना है। किल नहर के पास भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना के बीच MPX के आयोजन भारतीय नौसेना के आउटरीच और संधारण प्रयासों को दर्शाता है, जो दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनता है। इसी बीच दूसरे भारतीय प्रवासी का भी बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग, पीपल आर होल्डिंग इंडियन फ्लैग्स, सिंगिंग सॉन्ग्स, भारत माता की जय, वंदे मातरम, एंड यू नो द शिप पासिंग थ्रू द टावर ब्रिज वाज एन वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। इट वाज द फर्स्ट टाइम एंड लव्ड इट, इट वाज रियली गुड। भारत और जर्मनी के बीच संबंध साझे मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों तथा वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की नींव पर निर्मित है। भारतीय नौसेना दुनिया भर के नौसेनाओं के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जर्मन नौसेना के साथ MPX मजबूत द्विपक्षीय नौसेना संबंधों और समुद्री सुरक्षा अभियानों में साथ मिलकर काम करने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।
Thank you.